ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और चीन की यूनिवर्सिटी की एक संयुक्त कार्यशाला मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नीति आयोग के मुख्य अधिकारी अमिताभ कांत मौजूद रहे। इस वर्कशॉप में छात्रों को बौद्धिक संपदा और बौद्धिक रचनाओं की जानकारी दी गई। संगीत, साहित्य और कला, विचार, खोज और आविष्कार जैसे संपत्तियों पर किसका और कितना मालिकाना हक होता है, इन सब की जानकारी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में हुई एक वर्कशॉप में दी गई। वर्कशॉप में सामान्य प्रकार की बौद्धिक संपदा की भी जानकारी दी गई, जिनमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार और कुछ आधिकारिक क्षेत्रों में व्यापार रहस्य भी शामिल है। इस पर चर्चा और बौद्धिक संपदा कानून में अधिकारों की परिभाषा को लेकर कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ जुटे। इसमें मुख्य अतिथि रहे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। अमेरिका का जो इनोवेशन है वो रईस लोगों के लिए है, वो ड्राइवरलेस कार वगैरह, पर हम लोग को तो अपने देश को सुएज के लिए, पानी के लिए, कृषि के लिए इनोवेशन करना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सम्मेलन है जिसमें चाइना और इंडिया मिलकर करें। वर्कशॉप में सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, चीन की रेनमाइन यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ लोव और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के एक संयुक्त वर्कशॉप का आयोजन मंगलवार को किया गया। चीन और भारत के विश्वविद्यालयों का ये संयुक्त वर्कशॉप कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इंडिया, चाइना और जर्मनी से कुछ एकेडमिशियंस और प्रैक्टिशनर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके इंडिया और चाइना में काम करने के, वो यहाँ शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, उनमें एक दूसरे से क्या वो सीख सकते हैं और एक दूसरे की कंट्री में उसे कैसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का ये प्रयास बदलते विश्व में बौद्धिक संपदाओं के मालिकाना हक के लिए हो रही लड़ाई पर छात्रों को बेहतर जानकारी मुहैया कराएगा। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।